गाइज, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स जुगाड़। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े से पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे फॉइल बलून्स रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम जनरली बर्थडेज़ में करते हैं। इसमें हवा पंप करते हैं और इसको डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो फॉइल बलून्स होते हैं, ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं जनरली, क्योंकि इसमें से हवा निकलता नहीं। इसको यूज़ करो एंड थ्रो करो, इस तरीके से है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप इसके हवा को निकाल के इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे होती है सारी चीज़ें, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये इसका पॉइंट है जहाँ से हम इसमें हवा भरते हैं, एंड इस पाइप का इस्तेमाल करके हवा भरा जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पाइप को लेना है एंड इस तरीके से इसमें इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। तो अभी आप देखिए, मैंने पाइप को इतना इंसर्ट कर लिया है, बट अभी भी इस पर हवा बाहर नहीं आ रही है। तो इसको आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली अंदर की तरफ इंसर्ट करते रहिए, जब तक कि हवा इसमें से निकलना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, पाइप मैंने यहाँ तक इंसर्ट कर लिया, बट अभी भी हवा बाहर नहीं आ रही है इसमें। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अंदर डालने की कोशिश करेंगे। नाउ और कुछ इस तरीके से इसकी पूरी हवा बाहर आ चुकी है, एंड अभी हम पाइप को वापस बाहर निकाल लेते हैं। एंड यू कैन सी, इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। मेक श्योर इसको आप ज़्यादा फोल्ड ना करें, क्योंकि ज़्यादा फोल्ड करने से चांसेस होंगे कि ये डैमेज हो सकता है एंड फिर आप इसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है कि जब आप हवा निकालने की कोशिश करें तो हवा आसानी से बाहर ना निकले। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे इस वाले बलून में मैंने पाइप को ऑलमोस्ट पूरा अंदर की तरफ डाल दिया है, लेकिन अभी भी हवा बाहर की तरफ नहीं आ रही है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये जो मेरी पाइप है, ये काफ़ी छोटी है। इस बलून से अगर मुझे हवा निकालने हैं तो थोड़ी सी लंबी पाइप चाहिए होगी। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप ऐसे केसेस में जो पेन की रिफ़िल होती है, खाली रिफ़िल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हवा निकालने के लिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसमें कौन सी साइंस लगी है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि हवा तो हम आसानी से अंदर पंप कर लेते हैं, लेकिन जब हवा निकालने का टाइम आता है तो आसानी से हवा बाहर नहीं निकलता। तो ऐसा होता क्या, अंदर क्या लगा होता है? सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक थिक पॉलीथीन का छोटा सा पाइप दिखेगा। जनरली पाइप मतलब बहुत छोटा भी नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा होता है पाइप, तो जिसकी मदद से हवा आप आसानी से पंप तो कर देते हैं, लेकिन एक बार हवा अंदर की तरफ चली गई, क्योंकि पाइप काफ़ी लंबा है और थिक है, तो हवा इसकी वजह से पाइप से वापस रिवर्स नहीं आ पाता है। तो यही छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें हवा को होल्ड करके रखने के लिए। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।